हमारा एक ही है कि हम हमारे जितने भी सीएफ ये हैं अभ्यर्थी हैं, हम राजनीति के शिकार हुए हैं। हमारा जो भर्ती है 2018 में आया था उसमें दो दो आचार संहिता लगा, एक दिसंबर में लगा, दूसरा अप्रैल से मई में लगा। क्योंकि जब कोई भी भर्ती प्रक्रिया निकलती है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो रहती है वो एज क्राइटेरिया रहता है। जी सर, हमारा अब 2018 से 24 6 साल डिले हो चुका है, तो क्या आप लोग एज कैटेगरी से बाहर हो गए? अंदर है क्या चल रहा है, क्या हो रहा है अंदर? पूछताछ कर रहे हैं या काहे के लिए बैठा है? वो खाली उनको बैठा के रखे हैं, उनका कहना यही है कि भाई ऊपर से प्रेशर आया इसलिए बैठा के। आप लोग का क्या कहना है सीए भर्ती को लेकर? जानते हो छत्तीसगढ़ में लड़कियों को बाहर निकल के तैयारी करना कितना मुश्किल होता है, और उसमें भी इतना डिले हो रहा है। अब हम लोग अपने घर में बताए थे कि हमारा 2018 में ही हमारा चयन हो गया है, प्रतीक्षा सूची में हमारा नाम है। तो इन सारी चीजों से परेशान होकर सीएफ के जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट है वो आज पटेल चौक से पैदल रायपुर निकल रहे थे गृह मंत्री से मुलाकात करने के लिए, पैदल यात्रा करते हुए कि कम से कम अब तो गृह मंत्री इनसे मुलाकात करे, अब तो इनकी बातें सुने। सीएएफ छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स, छत्तीसगढ़ में तमाम तरीके की भर्ती को लेकर कई सारे सवाल उठते आए हैं, चाहे वो SI भर्ती हो चाहे वो सीएएफ भर्ती हो। 2018 में भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत की जाती है, मगर इस वक्त हम 2024 में खड़े हैं, कोई भर्ती नहीं होती, किसी को जॉब नहीं मिलती, किसी को नौकरी नहीं मिलती, और ना ही उस 2018 की भर्ती प्रक्रिया के अलावा कोई और भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत की जाती है। सरकार बदल जाती है मगर भर्ती वहीं की वहीं रह जाती है। तमाम तरीके की चीज़ें निकल कर सामने आती है। चुनाव के समय कई सारे वायदे किए जाते हैं, और चुनाव के समय ये बात भी निकल कर आती है चुनाव खत्म होने के बाद कि सीएएफ में जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनसे गृह मंत्री खुद मुलाकात करेंगे, मगर आज तक मुलाकात नहीं हो पाई। तो इन सारी चीज़ों से परेशान होकर सीएएफ के जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट है वो आज पटेल चौक से पैदल रायपुर निकल रहे थे गृह मंत्री से मुलाकात करने के लिए, पैदल यात्रा करते हुए कि कम से कम अब तो गृह मंत्री इनसे मुलाकात करे, अब तो इनकी बातें सुने। हमारे साथ मौजूद हैं, इसी वक्त इनके एक साथी को दुर्ग पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और कोतवाली ले आती है। इसके साथ सारे साथी मौजूद हैं। आखिर क्या पूरा मामला है और कब ये मसला शांत होगा, सारी चीजें बात करते हैं। जी भैया, आज कोतवाली में आप लोग सब लोग खड़े हैं जी, क्या मसला है, क्यों आए? ये हम लोग बीच में अभी गृह मंत्री जो हमारे विजय शर्मा जी हैं उनसे बात हुआ था कि मुलाकात के लिए बुलाए हैं ऐसा है कि, जिनको उनके माध्यम से एक महीना गुजर गया उसके बावजूद वहाँ से कुछ जानकारी नहीं मिला, तो उनके जब नहीं आया, जवाब नहीं आया, तो हमने हमारा जो संयोजक है उज्ज्वल सर उनके मार्गदर्शन में पटेल चौक पे हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से नया कांवड़ यात्रा लिखा रहे थे, और पुलिस विभाग से जो SI हैं उनसे शांतिपूर्ण ढंग से बात हो रहा था, और उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ भी रहे थे। तो उसमें ये हुआ कि हम लोग आगे बढ़ गए लेकिन हमारे जो संयोजक हैं उनको बैठा लिया गया। अभी थाने में है। उनसे आप लोग मिले हैं कि नहीं अभी तक? जब से उनको बैठा है, क्या हो रहा है अंदर, पूछताछ कर रहे हैं या काहे के लिए बैठा है? वो खाली उनको बैठा के रखे हैं, उनका कहना यही है कि भाई ऊपर से प्रेशर आया इसलिए बैठा। आप लोग का क्या कहना है सीए भर्ती को लेकर, आखिर क्यों इतनी चीजें लंबित हो रही है? हमारा एक ही है कि हम हमारे जितने भी सीएफ ये हैं अभ्यर्थी हैं, हम राजनीति के शिकार हुए हैं। हमारा जो भर्ती है 2018 में आया था उसमें दो दो आचार संहिता लगा, एक दिसंबर में लगा, दूसरा अप्रैल से मई में लगा। ये दो आचार संहिता लगा उसके बाद शासन पलट गया, जो कि कांग्रेस का आया। कांग्रेस में सभी को पता है कि कैसा शासन था, और उसने हमारा सुध लिया भी नहीं, गए भी थे तो बोले अभी कार्रवाई चल रहा है, भर्ती प्रक्रिया चल रहा है, और जैसे हम लोग का जब साल भर हुआ तो बोल दे कि आप लोग का साल भर हो गया। लेकिन इसी बीच उन लोग का भर्ती प्रक्रिया जो है वो जनवरी 2020 तक चला है, जो कि 18 में जो चालू हुआ जनवरी 2020 में खत्म हुआ है। इसका दो साल इसका पूरा रिकॉर्ड PHQ जो उच्च अधिकारी है उनके पास अवेलेबल है। तो अभी जो वर्तमान में जैसे भाजपा का शासन आया है, तो हम गृहमंत्री साहब से यही चाहते हैं कि वो अपने जो उच्च अधिकारी हैं PHQ से वो जानकारी मांगे कि भर्ती प्रक्रिया में लेट क्यों हुआ, वेटिंग को क्यों नहीं लिए, पोस्ट खाली था कि नहीं था, वो सब जानकारी एकत्रित करे, और उसी के आधार पे हम गलत नहीं हैं। हमसे सिर्फ एक ही गलती हुआ कि हम साल भर बाद आए, लेकिन वो साल भर बाद भी हमारे में नहीं है, क्योंकि भाई आपने 2020 में लास्ट ज्वाइनिंग किया है, हम तो 2018 में आपके पास आ गए ना, 7वें 8वें महीने में हम आ गए आपके पास जानकारी लेने के लिए, उसका हमारे पास लेटर भी है। 2018 की भर्ती प्रक्रिया में आप लोग शामिल हुए थे? जी सर, क्योंकि जब कोई भी भर्ती प्रक्रिया निकलती है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो रहती है वो एज क्राइटेरिया रहता है। जी सर, हमारा अब 2018 से 24
6 साल डिले हो चुका है, तो क्या आप लोग एज कैटेगरी से बाहर हो गए, अंदर है, क्या चल रहा है अब हमारा? इसके बाद ना जैसे भर्ती आ गए उसमें हम लोग ओवर एज हो गए हैं, मतलब हमारा, हाँ, तो हमारा उसी कारण हम लोग अभी आस में है कि हो जाएगा। मतलब पूरी तैयारी जो है वो एक बार में सब पे पानी फिर गया सर, क्योंकि अब दोबारा आज के युग में अब तैयारी हो पाना पॉसिबल है, क्योंकि अब हमारा एज ओवर होगा, 35 साल से ऊपर चल रहा है मेरा। तो गवर्नमेंट से हमारा आशा है कि हमारा भर्ती कम से कम पूरा करे, पुरानी रुकी हुई प्रक्रिया है उसी को पूरा करे, तो कम से कम आप लोगों का उसके तहत नौकरी, उसी के तहत हम कम से कम नौकरी मिलने का मौका मिलेगा। ऐसे कितने अभ्यर्थी होंगे लगभग? 417 लोग हैं हम लोग सीएफ में। हाँ ठीक है, और कुछ महिला भी है? आप लोग भी सीएफ की तैयारी किए थे, आप लोग भी भर्ती प्रक्रिया में? सर हम लोग भी तैयारी किए थे, हम लोग भी दिलाए थे भर्ती। क्या कहना चाहेंगे कि इतना डिले हो रहा है और सरकार सूद तक नहीं ले रही, क्योंकि 6 साल हो गए, एक पूरी की पूरी सरकार चले गई। क्या बोलेंगे सर, जानते हो छत्तीसगढ़ में लड़कियों को बाहर निकल के तैयारी करना कितना मुश्किल होता है, और उसमें भी इतना डिले हो रहा है। अब हम लोग अपने घर में बताए थे कि हमारा 2018 में ही हमारा चयन हो गया है, प्रतीक्षा सूची में हमारा नाम है, कुछ दिन बाद हमारा ज्वाइनिंग आ जाएगा, क्योंकि इससे पहले हर बार वेटिंग क्लियर हुआ है छत्तीसगढ़ में, जो भी सीएफ भर्ती जब कभी भी हुआ है तो हर बार वेटिंग क्लियर हुआ है, खाली इसी बार फंसा है, तो अब हम क्या जवाब दें? फंसा तो ऐसा फंसा कि 6 साल तक फंसा, 6 साल तक फंस ही रहा है, तो अब हमारे पास जवाब नहीं है घर में देने के लिए कि हम क्या बोले घर में, कितने देर, घर वाले भी प्रेशर बनाते होंगे कि अब छोड़ो ये सब। हाँ छोड़ो ये सब, घर वाले भी प्रेशर बना रहे हैं कि अब छोड़ दो, नहीं मत ध्यान दो उसमें करके, लेकिन हम लोग मेहनत किए हैं सर इसके लिए, रात दिन एक करके तैयारी की। क्या चाहते हैं अभी आप लोग, क्योंकि आपके एक जो साथी हैं उनको अंदर बैठा दिया गया, तो अभी आप लोग थाने के बाहर खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं, क्या चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि हमें जो रायपुर जाना था वो तो वैसे ही स्थगित हो गया, तो जब स्थगित हो गया तो उनको बाहर कर दीजिए, हम अपना चले जाएं, क्योंकि आल छत्तीसगढ़ से आए हैं हमारे जो अभ्यर्थी जो हैं, आल छत्तीसगढ़ से आए हैं, तो उनको भी जाने में समय लगेगा भाई, हम रायपुर नहीं जा सकते, तो उनको छोड़ दो ना, कब हम अपने घर वापस, घर वापस भाई, जब तक उनको नहीं छोड़ेंगे हम नहीं जा सकते, और हम क्यों जाएं भाई, अगर हम अपने लीडर को ही अगर छोड़ दिए तो उनके साथ रहने से मतलब क्या है भाई, रास्ता वही दिखाया है, और जवाब मंग रहे हैं, पूछ रहे तो क्या बोल रहे हो? वो बोल रहे हैं कि भाई ऊपर से प्रेशर है, जब ऊपर वाले बोलेंगे तो हम छोड़ देंगे। अच्छा जी, इस प्रकार की चीजें निकलकर सामने आ रही है सीएफ भर्ती प्रक्रिया को लेकर। गृह मंत्री से मिलने जा रहे जितने अभ्यर्थी हैं उनके जो संरक्षक हैं उनको थाने में बैठा लिया जाता है, और किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया जाता कि अंदर क्या चल रहा है, कोई पूछताछ हो रही है कि नहीं हो रही है, या किस मामले में लेकर बैठाया गया। सीधा एक ही जवाब आता है कि ऊपर से दबाव है। अब ये दबाव कब तक रहता है, कब तक उनको बाहर निकाला जाता है, देखने वाली बात रहेगी। और सबसे बड़ा सवाल है कि 6 साल हो गए सीए भर्ती को, मगर अभी तक ना कोई भर्ती निकाली गई, ना पुरानी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया गया। आखिर ऐसा कब तक रहेगा, कब तक ये अभ्यर्थी अपना ज्वाइनिंग लेटर आने का इंतजार करते रहेंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं आप इस पूरे मामले में क्या कहना चाहते हैं। धन्यवाद।